सारी फ्लाइट्स हैं लेकिन इंडिया की फ्लाइट आपको यहाँ नहीं मिलेगी। लड़कियां ही लड़कों को भी चेक कर रही हैं, तो हाँ ट्रेन में बैठ के बोर्डिंग गेट्स तक जाना पड़ेगा। तो गाइस ये हमारा खाना आ चुका है। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। ये व्लॉग है भाई बीजिंग से दिल्ली तक। हम ट्रैवल कर रहे हैं कैथे पैसिफिक में। मेरे को लगा चलो यार पहली बार मैं डिपार्चर ले रहा हूँ बीजिंग से, तो एक बार जरा आपको दिखा दूँ एयरपोर्ट वगैरह कैसा है, क्योंकि यूजुअली तो हम डिपार्चर लेते हैं, ट्रांसिट लेते हैं दुबई से या फिर हांगकांग से। बीजिंग से कोई ट्रांसिट या फिर आपने शायद जर्नी कम ही देखी होगी, तो एक बार दिखाता हूँ आपको बीजिंग का एयरपोर्ट कैसा है। ऐसी कुछ एंट्रेंस है बीजिंग एयरपोर्ट की। चीज बोलूंगा कि इस एयरपोर्ट में सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है, और पूरे चाइना में मैंने सिक्योरिटी तो भाई भर भर के देखी है। और ये जो एयरपोर्ट है ये हब है एयर चाइना का। तो अभी जरा हम देखते हैं अपना काउंटर कैथे पैसिफिक का कहाँ से है फ्लाइट। तो देखो यहाँ से सिडनी की फ्लाइट्स भी हैं, बीजिंग से ऑकलैंड हो गया, न्यूजीलैंड, मड्रिड हो गया, इटली, मतलब यूरोप को पूरा कनेक्ट किया हुआ है बीजिंग एयरपोर्ट ने। और एयर चाइना की भी बहुत सारी फ्लाइट जाती हैं, कतर एयरवेज भी है, सारी फ्लाइट्स हैं लेकिन इंडिया की फ्लाइट आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तो हाँ ANA भी है, जापानीज एयरलाइन। मुझे सामान देना है सी और डी काउंटर्स में कैथे पैसिफिक का। 1:45 की फ्लाइट है, हम हांगकांग पहुंचेंगे अराउंड 3.5 घंटे में, फिर हांगकांग से 3 घंटे का लेओवर है, फिर 8 बजे की फ्लाइट है हांगकांग से, एंड फिर हम रात में 12:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली Terminal 3। ये कुछ है एयरपोर्ट। और अभी जो है चाइनीज न्यू ईयर का समय चल रहा है, तो उस हिसाब से इन्होंने सजाया भी हुआ है। कल कोई फेस्ट था, इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। एक दिक्कत मुझे सबसे ज्यादा हुई चाइना में, मतलब पहले 2 दिन मुझे VPN सेट करने में लग गए, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। मतलब VPN डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ के एसेंशियल ऐप्स हैं जैसे अली पे हो गया या फिर दीदी ऐप हो गया, उसको डाउनलोड करने में भाई मेरे परखच्चे उड़ गए, हालत ख़राब हो गई। पहले मुझे ऐप स्टोर का लोकेशन चेंज करना पड़ा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। एंड देन थिंग्स वेंट स्मूथ और 95% जो है अली पे चला है। कभी कभी धोखा दे दिया उसने लेकिन, और हाँ फिर मेरा कार्ड भी ब्लॉक हो गया एक कोटक का, आपको पता होगा। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूर था, लेकिन एट दी एंड अगर आपके पास अली पे है और दीदी ऐप है तो आप अच्छे से कर लोगे पूरा टूर चाइना का, वरना तो भगवान ही बचाए आपको, बहुत ही मुश्किल है सोलो ट्रैवल करना तो चाइना में, इट्स अ बिग टास्क। ये लंबी चौड़ी लाइन लगी है, तो भाई आधे घंटे से लाइन पे खड़ा हुआ था। पहले तो इन्होंने एक ही काउंटर खोले, फिर बाद में सारे काउंटर खोल दिए। आखिरकार हो गया भाई, बोर्डिंग पास मिल गया, अब जा रहे हैं हम दिल्ली। बहुत ही रोलर कोस्टर राइड थी यहाँ पे, सोलो ट्रैवल करना बड़ा डिफिकल्ट था, बट जैसे जैसे करके हमने कर लिया। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो गाइड लेकर आओ, या तो मतलब VPN तो आप कर भी लोगे ना, तो भी गाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है, मतलब यहाँ पे पेमेंट्स वेमेंट्स, बट अगर एक बार सीख जाओगे तब इट वुड बी इजी। पता नहीं भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे चेक इन कहाँ से अंदर। ये डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक हो रहा है पूरा, हम जा रहे हैं नीचे। तो सिक्योरिटी हो गई यहाँ पे ना, लड़कियाँ भी चेक कर लेती हैं, जैसे अपने यहाँ होता है ना कि लड़कियों का लाइन सेपरेट, लड़कों का लाइन सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट नहीं है, एक ही है। लड़कियाँ ही लड़कों को भी चेक कर रही हैं, तो हाँ यहाँ पे अलग अलग नहीं है, एक सीन है। और ये सब मतलब मैक्सिमम एयरपोर्ट्स में देखा है, सिर्फ इंडिया में अलग अलग होता है, थाईलैंड में भी शायद, पता नहीं, थाईलैंड में डोंट रिमेम्बर। तुम्हारा गेट है E08 और वहाँ के लिए ट्रेन से जाना पड़ेगा। ओ यार मतलब ट्रेन में बैठ के बोर्डिंग गेट्स तक जाना पड़ेगा भाई साहब। इमिग्रेशन डन भाई, अलग ही भसड़ थी यार, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पहली चीज तो Terminal 3 में ही 3 departure gates हैं, 3 terminal हैं Terminal 3 के अंदर, Terminal A, Terminal B, Terminal C और E भी है, ठीक है। पहले तो हम ट्रेन से आए 10 मिनट की जर्नी करके Terminal E में, मतलब बोर्डिंग हमने की नॉर्मल एंट्रेंस में की होगी, फिर वहां से Terminal A जो सटा हुआ था, लेकिन टर्मिनल अगर आपको ई आना है तो ट्रेन से आना पड़ेगा, 2 स्टेशन बाद आया। मेरे को लगा सिक्योरिटी में मेरा इमिग्रेशन हो गया है, लेकिन वो इमिग्रेशन नहीं था, वो डेमो था। उसके बाद सिक्योरिटी हुई, ट्रेन पकड़ के 15 मिनट की जर्नी के बाद Terminal E में आए, फिर इमिग्रेशन हुआ, फिर 15 मिनट की लाइन लगी, बोर्डिंग पास लेते वक्त लाइन लगी, इमिग्रेशन में लाइन लगी। भाई जबरदस्त सिक्योरिटी, हांगकांग में तो भाई स्टैम्प तक नहीं मारा था, आपको याद हो अगर आपने वो वीडियो देखा है मेरा, तो यहाँ तो प्रॉपर स्टैम्प लगा है इमिग्रेशन का कि आप बाहर हो, मतलब चाइना से। थोड़ा बहुत सिक्योरिटी तो है भाई, ज्यादा है, हांगकांग में तो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। आ गए अब यहाँ से बोर्डिंग करनी है, और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। ये सब भाई दुकानें हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया है गाइस, तगड़ा एयरपोर्ट है, स्टारबक्स भी है, हालांकि मुझे लग रहा है बैठने की जगह कम होगी, पर जो भी है सुबह से कुछ भी नहीं खाया है,
कुछ खा लेते हैं। चाइना में सबसे बड़ा इशू हुआ खाने पीने का, समझो न्यूट्रिशन। तो भाई मैंने कैसे लिया है, काफ़ी अच्छी चॉइसेस है न्यूट्रिशन के लिए, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने अपने साथ कैरी किया प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे मैं इंडिया के बाहर हूँ, आई मेक श्योर कि मेरी डाइट और मेरी जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहे। बिलीव मी गाइस, मतलब खुद को शीशे में देखना इन द मॉर्निंग विद अ गुड बेटर लीन फिगर, इससे अच्छी फीलिंग हो नहीं सकती। बिग मसल न्यूट्रिशन हैज रियली हेल्प मी इन दैट। 25 ग्राम प्रोटीन है और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोटीन इज इसमें प्रो हाइड्रोलाज एंजाइम टेक्नोलॉजी है। पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि हाइड्रोलाज एंजाइम टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोटीन ऑब्जर्व होता है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है, तो ये चीज को बहुत खास बनाती है। एंड लिटरली आई फेल द डिफरेंस कम्पेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट आउट देयर। बात लोग करते हैं भाई हरी भाई ट्रस्ट का बताओ यार, ट्रस्ट का ये देखो यार ट्रस्ट की सील है, एक बार खुद ही लैब रिपोर्ट चेक कर लो। उसके अलावा इन्फॉर्म चॉइस यूके सर्टिफाइड है, बहुत बड़ी चीज होती है, खुद ही गूगल कर लेना। ट्रस्ट का कोई सीन है नहीं, ठीक है ना। तो एक स्कूप फटाफट लेते हैं। 7 डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है और मेरा फेवरेट है बेल्जियम चॉकलेट। अब आजकल पता है मेरे को डबल चॉकलेट ही बहुत पसंद आ रहा है, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। इट्स बीन अ ईयर आई एम हैविंग प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन एंड द रिजल्ट्स आर वेरी जेन्युइन। तो अगर आप जिम जाते हो और अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और अगर अपनी मसल्स को नॉरिश करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके अभी परचेज कर लो। मेरा कार्ड तो ब्लॉक है, आपको पता है, छुआ अली पे से पे हो गया। हांगकॉन्ग में तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा क्योंकि कोटा वालों ने मेरा कार्ड ही ब्लॉक कर दिया, आपको याद होगा। कुछ लिखा हुआ है, CA is honored to provide grounding handling services for Air India. Air India भी है भाई इस लिस्ट में, हाँ सिर्फ यही दिखा है Air India और कहीं नहीं दिखा, मतलब सच में यहाँ से कोई फ्लाइट है नहीं एक्चुअली। एयर चाइना का भी जो नेटवर्क है वो काफ़ी मतलब बड़ा ही है, हर जगह के प्लेन हैं इनके, यूरोप में स्पेशली बहुत है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी और न्यूजीलैंड। US का मुझे नहीं पता ये प्लेन इनके US जाते हैं कि नहीं, वो किसी को पता हो तो आप कमेंट करके बताओ। तो फाइनली फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, अरे पूरी की पूरी फ्लाइट ही बुक है और मेरी सीट है मिडिल वाली, विंडो एक भी खाली नहीं थी, तो मेरी सीट है 40F और हम बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट। सारे इंडियंस भी जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं इस फ्लाइट में और सबकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी दिल्ली की रात में, जो कि अराउंड हम पहुंचेंगे 1 बजे। लगभग समझो आप 6 या लगभग 9 घंटे का फ्लाइंग टाइम होने वाला है, बट अगर ये डायरेक्ट होती बाय चांस तो हम 7 घंटे में आराम से पहुंच जाते। कैथे पैसिफिक में प्रीमियम इकोनॉमी भी है, फर्स्ट क्लास भी लगता है, बिजनेस भी है, इकोनॉमी तो है ही, बट इकोनॉमी का एक्सपीरियंस जो था मेरा पिछली बार दिल्ली हांगकांग वो बहुत खराब था, बहुत कंजेस्टेड फ्लाइट थी। लेकिन ये देखते हैं ये फ्लाइट कैसी है, इट लुक्स लाइक 300ER, तो आई होप ये फ्लाइट बढ़िया हो। सो दिस इज द बिजनेस ऑफ कैथे पैसिफिक, समटाइम्स कभी इन फ्यूचर करेंगे ज़रूर इसको मौका मिला तो, लेकिन उतना खास लग नहीं रहा मुझे ऑनेस्टली, इतनी प्राइवेसी नहीं है इसमें। एंड दिस इज प्रीमियम इकोनॉमी, ये भी ठीक ही लग रहा है। तो फाइनली भाई मैं अपनी सीट पे आके बैठ जाता हूँ और ये मुझे मिडिल में भी मिडिल वाली सीट मिलती है, हालांकि ये ट्रे टेबल्स मुझे उतने पसंद नहीं आए। और ऐसा कुछ माहौल होता है हमारे प्लेन के अंदर, फ्लाइट होती है वो पूरी भरी होती है, कुछ भी सीट खाली नहीं मिलती। और बीजिंग जाते वक्त हालांकि पूरी फ्लाइट खाली थी, सामने मिलते हैं हमको हेडफोन्स जो कि ठीक ठाक क्वालिटी के होते हैं। हम कुछ देर में टेक ऑफ कर जाते हैं फाइनली चाइना से, तो चाइना को बाय बाय बोलने का समय आ गया और आप ये देख रहे हो फाइनली हम चाइना से फ्लाई करके निकल। तो भाई फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, मैं अपनी सीट पे ही हूँ, मेरे बगल में कोई आया नहीं है, लेग स्पेस ठीक ठाक है गाइस, बिकॉज ये B777-300ER है और ये है ट्रे टेबल जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बाकी प्लेन्स में इकोनॉमी क्लास में बेटर है, थोड़ा सा खराब भी है, इनका IF भी अच्छा है। ये देख रहे हो पीछे कुशंस भी दिए होते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर फोल्ड कर लो ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो सामने होता है IFE जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्यों बीजिंग में बर्फ़ नहीं होती लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आप देखोगे जैसे बीजिंग में जो पूरा एरिया है वो काफ़ी ड्राई है, डेजर्टेड है, और जो ऊपर का एरिया है ये रशिया का है जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो जो हरे पेड़ होते हैं वो ज़्यादा बादलों को अट्रैक्ट करते हैं, मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होता है और ठंड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, बीजिंग में खासकर ऐसा नहीं है, लेकिन बीजिंग के नीचे आप देखोगे जहाँ से हमने जर्नी की थी शेंजन से लेके हार्बिन तक, वहाँ पे ग्रीनरी थी तो वहाँ पे बर्फ़ मिली, लेकिन फिर बीजिंग में नहीं मिली क्योंकि वहाँ डेजर्ट है। फाइनली हमारा खाना आ जाता है और ये आइसक्रीम रहती है मैंगो रास्पबेरी, भाई बहुत ज़बरदस्त थी। ये ब्रेड भी काफ़ी सॉफ्ट रहती है और टेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया रहती है। हालांकि खाने के ऑप्शंस उतने नहीं थे, वेज तो था ही नहीं, सी फूड का ऑप्शन था जो कि मैंने ले लिया था, और एक कटलरी स्टील की काफ़ी प्रीमियम काफ़ी बढ़िया लग रही थी, साथ में जापनीज़ राइस फ़िश और प्रॉन्स के ऑप्शन थे।
हालांकि दिखने में तो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन टेस्ट में मैं बोलूँगा काफ़ी ब्लैंड था। उतना ज़्यादा सॉल्ट वगैरह इसके अंदर नहीं था जैसे हम इंडियंस पसंद करते हैं मसाले वाला खाना। साथ में वाइन, सैलेड। दिस इज द वॉशरूम और द बेस्ट पार्ट, ये हैंड क्रीम जो दी हुई ना, ये बहुत जरूरी होती है। हैंड जेल भी है, वॉश बेसिन, टिश्यू पेपर, यहाँ पे भी एक मिरर लगा हुआ है। तो ये जो होता है ना गाइस, मतलब हैंड क्रीम, ये मेरे को लगता है डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी होनी चाहिए, एयर इंडिया में भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये हैंगर, आ गए हांगकांग और ये जैकेट का काम खत्म। तो ये कॉफी ली है मैंने हांगकांग एयरपोर्ट में US डॉलर्स लेके। तो ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ना मैंने कुछ US डॉलर्स रख लिए थे जो मैंने कोरिया से एक्सचेंज कराए थे, तो उसको मैंने यूज करके 6 US डॉलर्स की मैंने ये कॉफी ली है। तो भाई अब मिल रहा है अच्छा खासा वाईफाई और इंस्टाग्राम मैं अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ बिना VPN के। देखो ये हांगकांग में ना सोने का भी बना हुआ है, मतलब भाई बहुत सही एयरपोर्ट है यार हांगकांग का। देखो टेबल्स वगैरह भी बने हुए हैं आगे, देख रहे हो वहाँ के टेबल्स, वहाँ बैठ के आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। और ये देखो भाई आराम से यहाँ पे चिल भी कर सकते हो। तो एयरपोर्ट तो बढ़िया है हांगकांग का, नो डाउट। हमारी फ्लाइट यहीं से बोर्ड होगी 8:30 को। तो हांगकांग एयरपोर्ट का वाईफाई बहुत तगड़ा है, 100 Mbps 200 Mbps की अपलोड स्पीड है। लेकिन जो व्लॉग है वो मैं थोड़ा इंडिया जाके अपलोड करूँगा। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि मेरी आगे से ट्रेन है, मतलब मुझे बुकिंग करानी है लेकिन मैं बुक नहीं करा पा रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ के नेटवर्क से इंडिया की ट्रेन बुक कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो 2 बार मेरे पैसे भी कट गए, 1600 रुपये, 800 की टिकट थी और टिकट बुक नहीं हुई। अब जाके वो भी भसड़बाजी है, सुबह 5 बजे की ट्रेन है वंदे भारत, तो वो भी बुक करानी है, वो हो नहीं रही है और वेटिंग उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। बोर्डिंग हो गई स्टार्ट फाइनली, अब चलते हैं दिल्ली। ये तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी भाई, मतलब मैंने बोर्डिंग पास भी स्कैन नहीं किया, सिर्फ फेस रिकग्नाइज हुआ और उन्होंने देख लिया कि भाई हाँ ये ट्रैवल कर रहा है इंडिया। तो ये तो बढ़िया है यार, ये तो पहली बार देखा मैंने। तो इस बार मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठ गया भाई, ज़बरदस्त लेग स्पेस है। पिछली बार जो नाटक हुआ था इस बार शायद नहीं होगा। और देखो इस बार ना 777-300ER है, इस प्लेन में ना लेग स्पेस ज़्यादा होती है। और एक चीज़ बोलूँगा, लेकिन जो विड्थ है सीट की वो बहुत कम है कंपेरेटिवली। ये देखो ये सीट्स की विड्थ ज़्यादा है। ब्लैंकेट और ये सब दिया हुआ है हमको, पिलो भी दिया हुआ है जो कि मैं लेने वाला हूँ टेक ऑफ के बाद। भाई यहाँ कहीं दिया है IFE कंट्रोलर, पर जगह तो बहुत ही कम है यार, एक आदमी भी ना फिट हो पाया, टूटी भी हुई है भाई। So once we arrive and we get our clearance, we'll be on our way. So we expect on time departure today. Flight time to Delhi, 5 hours and 34 minutes. Same condition on route. However, when you see that even though the seatbelt flight, इन्होंने 1 घंटा लेट कर दिया है, 9:30 को टेक ऑफ है। प्लेन में ना पानी पीना कम मत करना, मतलब जब भी आप ट्रैवल करो लॉन्ग फ्लाइट्स में डिहाइड्रेशन बहुत होता है, तो जितना पानी पियोगे उतना अच्छा है। मुझे हो चुका है एक बार सोल सिंगापुर, आपको याद होगा 7 घंटे की फ्लाइट थी। ये मिला है हमको गाइस फ्लाइट टेक ऑफ करने के जस्ट बाद पीनट्स, और साथ में इन्होंने टिश्यू पेपर दिया है। और ये मैंने ली है रेड वाइन, और फ्लाइट पूरी खाली है तो आज थोड़ा सा सब कुछ जल्दी मिलने वाला है। ये आप खोल सकते हो शायद, पता नहीं क्या है जो भी है, आई थिंक ये देखो इसमें लिखा है ना, ये खोल के यहाँ मोबाइल रख सकते हो। ये हमारा खाना आ चुका है, और ये ना ब्रेड पता नहीं पहले से गरम करके ला रहे हैं और काफी सॉफ्ट है, सुबह वाली फ्लाइट में भी काफी बढ़िया थी ब्रेड। और ये है सैलेड, और ये है डेजर्ट, ये पता नहीं क्या है, कुछ खीर वगैरह दिया है। ये है चिकन और साथ में मशरूम की सब्जी और साथ में राइस, दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, ट्राई करते हैं इसको फटाफट। दो दो चीजें दी है यार, पता नहीं ये आई थिंक कर्ड है, हाँ ये कर्ड है, ट्राई करते हैं पहले ये चिकन, काफ़ी देसी लग रहा है भाई, बड़े दिनों बाद कुछ देसी खाना खा रहा हूँ। सिर्फ ग्रेवी ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई ग्रेवी कैसी है, कोई प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट से बन के आया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ट्राई करते हैं ये मशरूम्स और मटर भी हैं इसमें। तो जितनी मैंने बुराई की थी ना पहले वाले फ्लाइट में, उतना ही अच्छा खाना है। चिकन इज़ वेरी गुड, मशरूम भी काफ़ी बढ़िया है। ख़त्म करते हैं ये खाना, ब्रेड भी काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे। फाइनली आई एम बैक टू इंडिया, दिल्ली आ गया वापस फाइनली, और अभी अपने लगेज का वेट कर रहा हूँ। और भाई फ्लाइट की जर्नी भी बहुत ज़्यादा थकाने वाली हो जाती है, एक तो क्या आप सो नहीं पाते, टाइम पास करने के लिए भी कुछ इतना होता नहीं है, बहुत टायरिंग हो गया सब कुछ। और मैं होटल भी नहीं जा सकता बिकॉज कल सुबह की ट्रेन भी है, और 2 दिन से वैसे ही नहीं सोया, 2 दिन हो गए जर्नी करते हुए, कहाँ हम हारबिन से निकले थे तब से व्लॉग भी कर रहा हूँ। तो
भाई ट्रिप बढ़िया था चाइना का, लेकिन बहुत रोलर कोस्टर राइड था, बहुत अप्स एंड डाउन थे, बट स्टिल समहाउ वी डिड इट। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। कमेंट करके बताओ अगली सीरीज़ आपको कौन सी देखनी है, कौन सी कंट्री आपके दिमाग में चल रही है और आपको लगता है कि हैरी भाई को जाना चाहिए उधर, तो कमेंट करके बताओ। जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे जिस कंट्री के, वो कंट्री मैं ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।